लोग पब्लिक कहा भी था कि हम लोग उसकी समीक्षा कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं, कहाँ हमसे कोताही हुई, कहाँ कमी हुई, उन सब चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं। लेकिन हम इससे हतोत्साह नहीं हैं, इस चुनाव के परिणाम से ऐसा नहीं है कि हमारा कार्यकर्ता है हम लोग हतोत्साहित होकर घर बैठ गए, ऐसा नहीं है। हम फिर से नए सिरे से पूरे जिल के साथ कांग्रेस को खड़ा करने का कोशिश करेंगे। बिहार में, बिहार एक समय था जो कांग्रेस की जड़ यहाँ बहुत मजबूत थी, एक बार फिर हम कांग्रेस को यहाँ उसी तरह से देखना चाहते हैं। सर, क्या अभी लगता है कि माकूल समय है जब राहुल गांधी को नेतृत्व संभाल लेना चाहिए? बिल्कुल, मेरा ये मानना है। देखिए, राहुल गांधी जी की तो खैर जितनी भी तारीफ की जाए कम है, क्योंकि वो पहले ऐसे किसी पार्टी के किसी दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं कि उन्होंने अपने पर जिम्मेदारी ली। 2019 के चुनाव की हार का जिम्मेदारी उन्होंने स्वयं लिया, जो कभी जनरली लोग लेते नहीं हैं, लेकिन उन्होंने लेकर पद को त्यागा, तो ये तो एक बहुत बड़ी बात है। आज की राजनीति में हम जैसे लोग हैं जो छोटे से छोटे पद को भी छोड़ने को तैयार नहीं है, लेकिन वो शख्स एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का पद छोड़कर और उन्होंने कहा कि किसी दूसरे को जिम्मेदारी दी जाए। बिहार की जिम्मेदारी कौन लेगा सर? अब ये हाईकमान तय करेगा, आला कमान तय करेगा। आप जानते हैं कि हमारी पार्टी एक राष्ट्रीय पार्टी है, कोई भी फैसला हमारा होता है उस पर राष्ट्रीय जो हमारे अध्यक्ष वो उसका फैसला करते हैं। ये हम कैसे कहें? देखिए, ठीक है, हमारी पार्टी लोकतांत्रिक पार्टी है ना भाई, तो लोग बोलते हैं, अपनी बात कहने का उनको अधिकार है और उस पर सुना भी। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया जी ने उनकी बातों को गंभीरता से लिया, उस पर कार्रवाई भी की, कई कमेटियां बनाई गई है ताकि जो भी शिकायत है उसको दूर किया जाए, और आगे भी हम लोग इस बात का ध्यान रखेंगे। पार्टी के अंदर अगर कोई भी किसी को कोई ग्रीवांसेस है तो हम लोग इतना ही चाहते हैं कि उसको पार्टी लीडरशिप के सामने रखा जाए। 8 तारीख को भारत बंद की आह्वान की गई है, आपकी पार्टी का क्या? अभी हमारी पार्टी ने फैसला नहीं लिया है, राष्ट्रीय स्तर पर उसका फैसला होगा और मेरा ख्याल है कि आज कोई फैसला हम लोग ले लेंगे। थैंक यू, बहुत धन्यवाद।